दोस्तों, उर्दू लाजी ऑफिशियल चैनल में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। आज हम लोग पढ़ेंगे सनाते इहाम, या इसका एक और नाम है सनाते तोरिया। इसको दो नाम से भी जाना जाता है, चाहे इसको सनाते इहाम कहिए चाहे कहिए सनाते तोरिया, दोनों बातें एक ही हैं। ठीक, इहाम लफ्ज बना वहम से। इहाम के माने होता है वहम में डालना, वहम में डालना या शक में डालना, दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है, वहम में डालना या शक में डालना, दोनों बातें एक ही है। अब इसकी तारीफ देखिए क्या है कि शेर में एक लफ्ज़ ऐसा आए जिसके दो मानी हो, या कहीं कहीं जू मानी लिखा रहता है, दोनों मानी एक होता है, तो जिसके दो मानी हो, एक करीब के और दूसरा बईद के। बईद के माने होता है दूर के, लेकिन शायर की जो मुराद है वो दूर वाले मानी से होती है, बईद वाले मानी से होती है। जैसे एक शेर है कि मैकश को हवस अयाग की है, परवाने को लव चराग की है ना। तो यहाँ देखिए मैकश माने क्या होता है, मैं माने होता है शराब, मैं के माने क्या होता है शराब, कश माने कशी करने वाला, यानी मैकशी करने वाला यानी शराब पीने वाला यानी शराबी, मैकश माने होता है शराबी। तो मैकश को हवस अयाग की है, अयाग माने क्या होता है शराब, यानी शराबी को हवस शराब की है, और परवाने को लव चराग की है। तो इसमें एक लफ्ज आया लव, इसमें एक लफ्ज आया है लव। लव के दो माने निकलते हैं, लव के दो माने निकलते हैं। एक माने होता है जो चराग में जो लव निकलती है, जो जब चराग जलता है तो उससे जो लव निकलती है, तो उसको एक लव वो हो गया, और एक लव किसी से लव लग जाना, किसी से दिल लग जाना, किसी से इश्क हो जाना, है ना। तो ये दो लव हो, एक चराग वाली लव और एक इश्क वाली लव, यानी इसके दो माने निकल गए, समझ गए ना। तो ये करीब वाला जो है, करीब वाला है कि किसे चराग की लव, करीब में जो है वो चराग की लव, और जो बईद के माने हैं वो किसी से लव लग जाना, समझ गए ना। तो इसके दो माने हैं, तो इस शेर में सनाते इहाम है। अब देखिए अगला कि सब जो मस्जिद में जा फंसा मोमिन, सब जो सब माने रात में, सब जो मस्जिद में जा फंसा मोमिन, रात काटी खुदा खुदा करके। तो इसमें क्या लफ्ज आया खुदा खुदा, तो खुदा खुदा के यहाँ दो माने निकल रहे हैं, खुदा खुदा के यहाँ दो माने निकल रहे हैं, मतलब कि रात काटी खुदा खुदा करके, यानी इबादत करना है, खुदा खुदा माने इबादत करना, यानी मोमिन जो कहते हैं कि मैं रात में जो है मस्जिद में जा कर के फंसा, और मैंने रात में इबादत की, खुदा खुदा करके इबादत की, इसके एक माने ये हो गए। और दूसरा ये कि मैं मस्जिद में जा कर के फंस गया, और किसी तरीके से बड़ी मुश्किल के साथ मैंने रात में मस्जिद में रात भर काटी, है ना। तो यहाँ दो माने निकल रहे हैं, तो एक मतलब कि इबादत वाला, और एक मतलब बड़ी मुश्किल से गुजर करना रात, एक इबादत के साथ गुजर करना, और एक जो है बड़ी मुश्किल के साथ गुजर करना, समझिए ना। तो यहाँ दो माने इसके निकल कर के आए। मोमिन ये शायर हैं और इनका तखल्लुस है मोमिन, और ये दो शेर हो गए। अब फिर देखिए अगला है कि क्यों मुड़ाता है जुल्फ को प्यारे, देख तुझको कहेंगे सब मूर्ख। या ये जो है इसमें ध्यान से देखिए, क्यों मुड़ाता है जुल्फ, जुल्फ मुड़ाना यानी बाल को कटवा लेना, है ना। तो ये शायर अपनी माशूक तरफ इशारा करके कहता है कि तुम अपने बाल को क्यों मुड़वा रहे हो, अपने बाल को तुम क्यों कटवा रहे हो, देख तुझको कहेंगे सब मूर्ख, तुझको सब देख के कहेंगे ये बड़ा मूर्ख है, ये बड़ा बेवकूफ़ है ना। तो यहाँ जो लफ्ज़ मूर्ख आया है, लफ्ज़ आया है मूर्ख, मूर्ख के माने क्या होता है, मूर्ख माने एक होता है बेवकूफ़, और एक मूर्ख माने होता है, मुँह माने होता है बाल, रख माने रखना, यानी बाल को रखना, यानी मत कटवाना, यानी ना कटवाना, समझिए ना। मूर्ख के एक माने होता है बेवकूफ़, और मुँह के माने बाल, और रख माने रखवाना, यानी बाल रखवाना। तो इसके माने ये हुए कि क्यों मुड़वाता है जुल्फ को प्यारे, यानी बाल को क्यों मुड़वा रहा है, देख तुझको सब कहेंगे मूर्ख, यानी तुझसे सब लोग कहेंगे
कि तुम जो है बाल को क्यों कटवा ली, तुम बेवकूफ हो, एक माने तो ये हो गया, और तो दूसरा माने ये हो गया, सब तुमसे कहेंगे कि तुम बाल को जो है मत कटवाओ, तुम मूर्ख, यानी बाल को तुम रखे रहो, है ना, बाल को तुम रखे रहो। तो इसके दो माने निकल गए, एक मूर्ख माने बेवकूफ, एक बाल को ना कटवाना, मुंह माने बाल, रख माने रखना, समझिए ना। तो एक माने तो एक तो ये हो गया। फिर अगला देखिए है शेर कि बात करने में रकीबों से अभी टूट गया, बात करने में रकीबों से अभी टूट गया, दिल भी शायद उसी अहद का पैमा होगा। तो इसमें एक लफ्ज़ आया अहद, अहद के माने होता है ज़माना या वक्त, है ना, अहद के माने होता है ज़माना या वक्त, और एक अहद माने होता है किसी से अहद करना या किसी से वादा करना। तो एक वक्त वाला और एक ज़माना वाला, समझ गए ना। तो इसके दो माने निकल के आए, तो इस शेर में भी याम है। और फिर एक और है कि सौदा है मेरी बकावली को, है चाहे बशर की बावली को। तो ये शेर गुलजारे नसीम का है, तो उसमें बकावली वाला किरदार आया है, आप लोग जानते ही हैं। तो इसमें देखिए किस लफ्ज़ में ईहाम है, सौदा है मेरी बकावली को, है चाहे बशर की बावली को। यहाँ लफ्ज़ जो बावली आया है, बावली के दो माने निकलते हैं। एक बावली जो कुएं पे बावली बनी रहती है पानी भरने के लिए, है ना, कुएं को एक जो कुआं जो बना रहता है उसमें ऊंचा सा बना रहता है, सीढ़ी पे चढ़कर लोग जाते हैं और वहाँ बाल्टी से पानी निकाला जाता है, तो उसको बावली कहा जाता है, ठीक है, एक कुएं की बावली। और एक बावली माने किसी इश्क में बावली हो जाना, पागल हो जाना, है ना। तो उस एक एक बावली वो हो गया, ठीक है, यानी किसी के इश्क में बावली हो जाना, एक बावली वो हो गया, एक जो है कुएं वाली बावली। तो इसके दो माने निकल के आए, समझिए ना। तो यही है सराते ईहाम, एक लफ्ज़ के कोई एक लफ्ज़ शेर में आए, इसके दो माने निकले, और एक माने करीब के, एक माने दूर के। और शायर की जो मुराद होती है वो दूर वाले मानी से होती है, बईद वाले मानी से होती है, समझिए ना। तो इसी जैसे इसमें देखिए लव था, इसमें खुदा खुदा, इसमें मूरख, इसमें अहद और इसमें बावली। तो यही है सनाते ईहाम, इसको सनाते तोरिया भी कहा जाता है, ठीक, इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।